बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपनी अवेटेड फिल्म पठान को लेकर 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही विवादों में अपनी जगह बना ली है। फिल्म के टीजर के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर विवाद का दौर चालू हो गया है। और अभी हाल ही में रिलीज हुआ इसी फिल्म का गाना बेशर्म, जो कि 12 दिसंबर को रिलीज हुआ था, ये रिलीज होने के साथ ही अब कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गया है और फिल्म को बायकॉट करने की भी डिमांड उठती जा रही है। अब आलम ये हो गया है कि अब तो ट्विटर पर भी पठान को बायकॉट करने का ट्रेंड चल पड़ा है। आपको बता दें कि पठान फिल्म पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और पठान फिल्म का जो अभी गाना रिलीज हुआ है जिसका टाइटल है बेशर्म, ये गाने का तो खूब मजाक उड़ाए जा रहे हैं और इस गाने पर चोरी का भी आरोप लगा है। लोगों का ये भी कहना है कि ये गाना 2016 में रिलीज गाने की धुन जैके मरीबा को चोरी करके बेशर्म रंग में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही ये गाना और भी ज्यादा विवादों में इसलिए घिर गया है क्योंकि इस फिल्म के गाने में दीपिका का जो ग्लैमरस अवतार है वो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया है। आपको ये बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने जो गेरुआ कलर की बिकनी पहनी है इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गेरुआ कलर संत समाज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि संत समाज इस कलर को बहुत ही शुद्ध मानते हैं और इसे धारण करते हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण के इस तरह से गेरुआ कलर की बिकनी पहनकर इस तरह से सॉन्ग में आना संत समाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसलिए संत समाज ने इसका विरोध किया है और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो फिल्म के बहिष्कार करने तक की अपील कर दी है और यहां तक कह दिया है उन्होंने कि ये फिल्म जिस थिएटर में लगेगी उस थिएटर को आग के हवाले कर दिया जाएगा। और आपको बता दे इतना ही नहीं MP के गृह मंत्री ने भी एक चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर इस सॉन्ग से इन तीनों को हटाया नहीं गया और इसके बाद भी ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि MP में ये फिल्म रिलीज करनी चाहिए या नहीं। बेशर्म सॉन्ग में दीपिका पादुकोण का जहां अब तक का सबसे ज्यादा ग्लैमरस अवतार देखने को मिला है तो वहीं अब दीपिका और शाहरुख के इंटीमेट डांस को देखकर लोग हैरान भी हैं। कई लोगों को बॉलीवुड के बादशाह और दीपिका का ये अंदाज पसंद नहीं आया है और फिल्म को बायकॉट करने की भी मांग अब जोर पकड़ती दिख रही है। आपको बता दें कि ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं कि इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट और गॉसिप के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।